सब आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है आज 1 जनवरी है और मेरा बर्थडे भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मेकअप वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को दिखाई जाए। ये वीडियो मैं 1 जनवरी को शूट कर रही हूँ, बट हो सकता है कि ये आप थोड़ा सा लेट देखें। तो देखिए आप मेरे छोटे से बर्थडे सेलिब्रेशन का कुछ क्लिप है जो मैंने डाला हुआ है, इन्जॉय कीजिए उस क्लिप को और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप वीडियो। चलिए यहाँ से हम अपने मेकअप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है कि विंटर का सीज़न है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने मेकअप को करने से पहले अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर हिमालय का मॉइस्चराइज़र। एंड मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपने पूरे फेस पर, नेक पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, क्योंकि स्किन हमारी बहुत डल रहती है विंटर में, उसको अगर आपको एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही ये शिमर पार्टिकल्स इसमें होते हैं। स्विस ब्यूटी का बहुत ही प्यारा प्राइमर है, अगर इसको हम अंडर बेस लगाते हैं तो हमारी स्किन पर एक अलग ही ग्लो आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको लगाया है तो मेरे फेस पर एक अलग ही शाइन इसने मुझे प्रोवाइड कर दी है। तो इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नेक्स्ट कलर करेक्टर, जो कि है HD प्रो कलर करेक्टर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पर और डार्क सर्कल वाले एरिया पर, जो कि मेरे फेस पर थोड़ी सी पिगमेंटेशन है उसको ये कलर करेक्ट कर देगा। ये येलो कलर में है। इसको अच्छे से अपने अंडर आई पर अप्लाई करने के बाद मैं इसको फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। डैब डैब मोशन में आपको ब्लेंड करना है, ड्रैग आउट नहीं करना है और बिल्कुल भी आपको प्रेशर, हल्के प्रेशर से आपको इसको ब्लेंड करना है। जितना हल्के प्रेशर से आप इसको जल ब्लेंड करेंगे ये उतना ही अच्छा दिखेगा और ब्लेंड हो जाएगा, आपकी स्किन में बिल्कुल समा जाएगा। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का जो सीरम फाउंडेशन है। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर आगे देखेंगे, अलग से मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, पूरे दिन आपको लगा करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके का ये फाउंडेशन है। आज मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था तो मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए मेकअप ओनली रखना था, तो आज मैं उसका रिव्यू उतने अच्छे तरीके से आपको नहीं दे पाऊँगी। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी जिसको आप मेरे चैनल पर आगे देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से नेक पर और फेस पर अप्लाई करने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। ध्यान रखें आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, आपको बिल्कुल भी ड्रैग आउट नहीं करना है, डैप डैप मोशन में ब्लेंड करें। और ब्यूटी ब्लेंडर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको डैम्प ही यूज़ करें, अगर आप ड्राई यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी फिनिशिंग आपको नहीं देगा और बहुत केकी लग सकता है आपका फाउंडेशन। तो आप बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं करते हुए दिख रही हूँ आपको, उस तरीके से डैप डैप मोशन में आप पूरे फाउंडेशन को
क्लियरली बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से ब्लेंड करें ताकि आपको ऐसे लगेगा कि आपकी ही स्किन है लेकिन बेटर है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ पर कंसील करूँगी अपने अंडर आई एरिया को माउथ के अराउंड, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये एरिया मेरा। अंडर आई एरिया में मैं इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी, फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, माउथ के अराउंड अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस के एरिया को हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी। ये भी HD ही कंसीलर है और ये बहुत अच्छा कंसीलर है, ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से होता है और बहुत हल्का फील होता है, बहुत हैवी फील नहीं करता है ये आपकी स्किन में, और बहुत ही अच्छा एक मुझे ये ऑप्शन लगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप अमेज़ॉन, पर्पल किसी पर भी आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप आराम से इसको ले सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था वैसे ही हमें अपने जो कंसीलर हमने अप्लाई किया है उसको ब्लेंड करना है डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है ताकि आप पूरा वीडियो सही तरीके से देख सकें, अगर मैं वीडियो कट करती तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है ताकि आप पूरा वीडियो अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है ब्लश की। आप ध्यान रखें इस चीज़ को कि विंटर में अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आप हमेशा लिक्विड या फिर कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि जो आपकी स्किन है हाइड्रेटेड रहे, ड्राई फील ना हो। तो मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का ब्लशर स्टिक यूज़ किया हुआ है जो कि क्रीम प्रोडक्ट है, और इसको अच्छे तरीके से फेस पर लगाने के बाद मैं इसको उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। ये भी ये क्रीम प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो बहुत अच्छे से हेल्दी फील करेगा, ड्राई फील बिल्कुल भी नहीं करेगा, और एक अच्छी सी शाइन, अच्छा सा ग्लो मेरे फेस को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने लगाया था तब थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बट जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इतना सारा कुछ लगाया हुआ है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अंडर आई एरिया पे पाउडर से सेट करूँगी। यहाँ पे मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ उसी ब्यूटी ब्लेंडर में, हल्का सा पाउडर लेकर के, क्योंकि अंडर आई एरिया में अगर आप पाउडर से सेट नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्रीजेस बन जाएंगी, जिसको हटाने के लिए मुझे हल्का सा पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। तो थोड़े अमाउंट में आप पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में आपको पाउडर का यूज़ नहीं करना है वरना आपका पूरा फेस जो है वो ड्राई फील करने लग जाएगा क्योंकि विंटर है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से देख आपने जैसे कि देखा मैंने ओनली अंडर आई एरिया पे पाउडर अप्लाई किया, इसके बाद थोड़ा सा कॉन्टोर करेंगे। तो मेरे पास क्रीम कॉन्टोर कोई भी नहीं था इसीलिए मैं पाउडर कॉन्टोर ही यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने मार्स की एक 3-in-1 पैलेट यूज़ की हुई है, उसमें से कॉन्टोर शेड लेकर के हल्का सा अपने फेस को शेप देने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर चीक्स पर नोज़ को कॉन्टोर करूँगी मैं, और अपने जो भी हाइलाइटेड जो भी हमारे उभरे एरिया हैं जिसको मुझे शेप देना है तो इससे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। हल्की हल्की कॉन्टोरिंग मैंने की है, ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है। देन इसके बाद थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था इसीलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के फिर से थोड़ा सा क्लियर किया है फेस को, अच्छे से सेट किया है पाउडर को और बेस को। देन इसके बाद बारी आती है आईब्रो की, तो आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो प्रोमेड पैलेट। इसमें आपको 3 कलर्स मिल जाते हैं, एक वैक्स मिल जाता है और एक छोटू सा ब्रश मिल जाता है जिसकी सहायता से आप आईब्रो को बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। एंगुलर ब्रश इसमें प्रोवाइड किया गया है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको 3 शेड मिलते हैं, तो जो भी शेड आपको परफेक्ट लगे अपने हेयर के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप आईब्रो बनाना आईब्रो को करना स्टार्ट करें तो उसके लिए आप सेंटर से ही स्टार्ट करें, आगे से कभी भी स्टार्ट ना करें। अगर करते हैं तो बहुत हल्के हाथ से आपको करना है। आईब्रोज़ के जो आगे का शेप होता है उसको बिल्कुल हल्का हमें कलर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। पीछे आप सेंटर से आप डार्क कर सकते हैं, उसके बाद स्पूली की सहायता से आप अपनी आईब्रोज़ को सेट कर सकते हैं जो कि एक अच्छा नेचुरल लुक हमें प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही आईज़ में मैंने बराबर तरीके से अप्लाई कर लिया है स्विस ब्यूटी की पैलेट से ब्राउन शेड।
देन इसके बाद अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप मैंने बिल्कुल सटल रखा हुआ है इस बार, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है। जस्ट एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के उसमें पिंक शेड लिया हुआ है और ये मार्स की मैंने आईब्रो जो किट है उसको, सॉरी आईब्रो किट नहीं, आई शेडो किट है जो मार्स की है, जिसमें 15 फैंटेसी आई शेडो पैलेट इसको कहा जाता है, 15 शेड आपको मिल जाते हैं, जिसमें से मैंने पिंक शेड लेकर के सिर्फ और सिर्फ अपने आईलिड पर अप्लाई किया हुआ है, अच्छे तरीके से ब्लेंड किया हुआ है। देन इसके बाद और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक गोल्डन कलर का शिमर लेकर के मैं इसी के ऊपर हल्का सा शिमर इफ़ेक्ट देने के लिए फिंगर से अप्लाई करूँगी, बिल्कुल हल्के हाथ से अप्लाई कर दूँगी। तो ये एक तरीके का अच्छा सटल सा और कुछ भी ना करके, ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी और आपको अच्छा लुक एक मिल जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया शिमर अप्लाई करेंगे। इसी पैलेट में आपको बहुत सारे शिमर सेड भी मिल जाते हैं, आपको इसमें गोल्डन कलर मिल जाता है, आपको इसमें रोज़ गोल्ड मिल जाता है, देन आपको इसमें एक सिल्वर कलर भी मिल जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोज़ गोल्ड अप्लाई किया हुआ है, रोज़ गोल्ड कलर अप्लाई करने से थोड़ा सा उभरा हुआ इफ़ेक्ट मेरी आई को मिल गया है। इसको करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे जो आई शेडो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, ना कोई मेहनत मुझको ज़्यादा करनी पड़ी और बहुत अच्छा शेड भी है मुझे वहाँ पर मिल गया है। देन नेक्स्ट मैंने लाइनर लिया हुआ है जो कि मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था लाइनर, और लाइनर ब्रश लेकर के मैं नीचे वाटर लाइन पर उसको अप्लाई करूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अगर काजल लगाती हूँ तो मेरा काजल फैल जाता है, इसलिए मैं हमेशा काजल एज अ काजल लाइनर को यूज़ करती हूँ। लाइनर को लगाने के बाद उसको मैं नीचे स्मज कर लूँगी ताकि ये मुझे काजल का इफ़ेक्ट दे सके। उसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर ब्राउन शेड ले रही हूँ उसी आई शेडो पैलेट में से, और मैं उस काजल के नीचे उसको स्मज कर रही हूँ ताकि एक ब्लैकिश ब्राउन कलर मुझे मिल सके मेरी वाटर लाइन पर। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसके बीच में, मैं ये वीडियो 1 जनवरी को शूट कर रही थी रात में, मतलब 31 की नाइट को मैं शूट कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेडी होना था, केक कट करना था, मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो भी बना ली जाए, इसी के साथ में एक वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो हैं बहुत टाइम से नहीं आई हैं, बहुत गैप हो गया है, थोड़ा सा हम बिज़ी चल रहे थे, अभी मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। बट अब आपको कंटिन्यू मेरे चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो बस इसी के कारण से मैंने सोचा नया साल है और मेरा बर्थडे भी है, तो आज फर्स्ट वीडियो नए साल पर शूट कर लेते हैं, इसी कारण से ये वीडियो मैंने डाला। अब आपको डेली रेगुलर, डेली तो नहीं, हफ्ते में एक दो वीडियो मेरी देखने को मिल सकती हैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लाइनर जो कि मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो मैं ज़्यादा, मुझे ड्रामेटिक आई पसंद नहीं है, तो मैं इसके बाद यहाँ पर लाइनर बिल्कुल पतला सा लाइनर ड्रॉ करूँगी, ज़्यादा मोटा या विंग लाइनर मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने हल्का सा यहाँ पे लाइनर लगाया हुआ है। देन मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर इनसाइट की 06 शेड नंबर है शायद इसका, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद यही नंबर है। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा एक न्यूट शेड है ये, और डस्की स्किन या फिर मीडियम टू फेयर स्किन पर ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये शेड पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने अभी न्यू परचेस इसको किया है एंड मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो आप अगर लेना चाहें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड ज़्यादा महंगी लिपस्टिक भी नहीं है ये, आपको अंडर 150 आपको ये मिल जाएगी पर्पल पर, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी बिंदी छोटी सी जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, बिंदी मैं नहीं लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे फेस पर कुछ अधूरा है, तो मैं कुछ भी पहनूँ, चाहे वेस्टर्न इंडियन कुछ भी पहनूँ, मैं बिंदी ज़रूर लगाती हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई किए हुए हैं, देन कॉम कर लिया है अपने हेयर्स को। तो ये है मेरा फाइनल लुक, इन्जॉय करें इस लुक को। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, तो
बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।